धोनी की धमाकेदार पारी, दिग्गजों ने ऐसे किया सलाम। चेपों की मुश्किल पिच पर राजस्थान रॉयल्स की सभी गेंदबाजी के सामने चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी एमएस धोनी ने 46 गेंद में नाबाद 75 रन की बेहतरीन पारी खेली। धोनी की इस पारी की बदौलत आईपीएल में आईपीएल 2019 में चेन्नई सुपर किंग्स ने राजस्थान रॉयल्स को 8 रन से हराकर लगातार तीसरी जीत दर्ज की। महेंद्र सिंह धोनी ने एक बार फिर से संकट मोचक की भूमिका निभाते हुए टीम को 5 विकेट पर 175 रन तक पहुंचाया। जवाब में रॉयल्स की टीम 8 विकेट पर 167 रन ही बना सकी और यह उनकी लगातार तीसरी हार थी। पिछले मैच में यहां टर्निंग पिच थी, लेकिन इस मैच में यह बल्लेबाजों के लिए अलग तरह की चुनौती साबित हुई। इस पर शुरुआत में तेज गेंदबाजों को मदद मिली और बेन स्टोक्स खेलना आसान नहीं था। महेंद्र सिंह धोनी ने जयदेव उनादकट के आखिरी ओवर में 28 रन लिए, जो आईपीएल के इतिहास का तीसरा सबसे महंगा ओवर था। चेन्नई ने आखिरी तीन ओवर में 60 रन बनाए। धोनी ने अपनी पारी में 4 चौके और 4 छक्के जड़े और ये सभी छक्के उनादकट के आखिरी ओवर में पड़े। इससे पहले सुरेश रैना 36 और धोनी ने चौथे विकेट के लिए 61 रन की साझेदारी की। धोनी ने वेस्ट इंडीज के ड्वेन ब्रावो के साथ भी 56 रन जोड़े। महेंद्र सिंह धोनी की शानदार पारी पर क्रिकेट जगत से कई प्रतिक्रियाएं आई। क्रिकेट जगत के दिग्गजों ने धोनी को उनकी इस पारी के लिए अपने अपने अंदाज में सलाम किया। फैंस ने भी ट्विटर पर जमकर महेंद्र सिंह धोनी की तारीफ की। बता दें कि राजस्थान रॉयल्स के तेज गेंदबाजों की तिकड़ी जोफ्रा आर्चर, धवल कुलकर्णी और बेन स्टॉक्स ने अनुशासित गेंदबाजी की। उन्होंने पावर प्ले में सिर्फ 29 रन देकर चेन्नई के शीर्ष 3 बल्लेबाजों को आउट किया। इसके बाद धोनी और रैना क्रीज पर आए। दोनों ने इक्के दुक्के रन लेकर रन गति को आगे बढ़ाए रखा। 10 ओवर में चेन्नई का स्कोर सिर्फ 55 रन था और साथ ही चौके लगे थे। इसके बाद सुरेश रैना और महेंद्र सिंह धोनी ने हाथ खोले और टीम को संकट से निकाला।